चलाना कि 4 बच्चा है। ना यहाँ पे हॉस्पिटल में आप कब आए थे ये बच्चा होने? मम्मी दो आदमी आते हैं, दो आदमी काम बच्चा दो आदमी शीशा अच्छा एक दो बच्चे फिर वो कुछ बोले। दोस्तों आज मैं आया हूँ आरा में और मेरे सामने ये भरत यादव हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो इतिहास रच दिए हैं। इनके एक बार में 4-4 बच्चे हुए हैं और इनको भी पता नहीं था कि 4 बच्चा होगा। ये पहले अल्ट्रासाउंड कराए थे तो इनको पता था कि 2 ही बच्चा होगा, पर फिर दोबारा कराए तो इनको पता लगा कि 4 बच्चा हुआ है और इसी हॉस्पिटल में हुआ है। हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में, अभी 2 जो बच्चा है वो शीशा में और 2 बच्चा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये इनके 2 बच्चे हैं और 2 शीशा में हैं। अच्छे आपको ये मतलब कब पता लगा कि आपके 4 बच्चा हो गए? मेरे को जब डिलीवरी का 6 महीना हो गया था तब पता चला ना कि 4 बच्चा है। ना यहाँ पे हॉस्पिटल में आप कब आए थे ये बच्चा होने के बाद की पहले? मैं 1 महीना पहले हॉस्पिटल में आया था तो मैडम से मैं चेक कराया, दवाई भी लिया, अल्ट्रासाउंड भी कराया। मेरे को शाहपुर में कराया था, संतुष्टि नहीं मेरे को मिला था कि 4 बच्चा सही है कि गलत है। जब यहाँ पर कराया तो मेरे को संतुष्टि मिला कि हाँ सही 4 बच्चे हैं। अच्छा ये 4-4 बच्चा हुआ है, पहले से आपको बच्चा है कि नहीं? एक लड़का एक लड़की है। पहले से इनको एक लड़का एक लड़की है और 4 बच्चा एक बार में हुआ है, यानी कि 5 बेटे के पिता हैं और 1 लड़की है इनके पास। आपका परिवार तो काफ़ी लंबा हो गया, 1 बैग लंबा हो गया, कैसे चलिएगा आगे? जैसे भगवान की देन है, छठी मैया का दया है, जैसे झेलेंगे। मतलब जैसे जुड़ुआ बच्चा होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और आपके पास 4-4 बच्चा हुआ है यानी डबल जुड़ुआ, तो इनको संभालने में खाने पिलाने में इनको कब तक रखिएगा साथ में? ये जैसे लड़के के मामी हैं, अभी आई हैं हॉस्पिटल में देख रेख करने के लिए। आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो आ जाएँ। अभी आई हैं, कब तक रहेंगे? इस शाम तक ले रहेंगे। शाम के आप चले जाएंगे तो फिर कौन देगा 4-4 बच्चों? नाना तो नदाई है, सब लोग मौसी आई है। भरत जी आप बताइए कि आपको बधाई उधाई मिल रहा है कि नहीं आसपास से? बहुत बधाई मिल रहा है मेरे गाँव से, बहुत जो जहाँ से सुन रहा है ना 4 बच्चा हुआ है वहीं से बधाई दे रहा है भाई, फेसबुक को कमेंट करके, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ से। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी आए होंगे आपके पास? बहुत चैनल वाले, कल 4-5 आए थे, आज 4-5 हुए। शुरू दिन डॉक्टर साहब बुलाए थे उस दिन भी, हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर। हाँ मेन डॉक्टर भी बुलाए थे उस दिन भी, 2-3 आए थे। हाँ उस टाइम जैसे हम ना ऑपरेशन करके निकले, आधे घंटे के बाद उन्होंने न्यूज वाले आ गए। देखिए इनकी जो वाइफ है वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, नहीं तो उनसे भी आप लोगों को बात कराते, मगर ये इतिहास ही एक रच दिए बिहार में कि 1 साथ 4-4 बच्चे हुए हैं इनको। और इनके पास काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं और आएंगे भी, ये बोलते बोलते परेशान हो गए हैं। आपको कैसा लग रहा है ये मीडिया वीडिया वाले आ रहे तो? मेरे को खुशी है कि सब लोग भाई, सब मेरे भाई सब चैनल पर दिखा रहे हैं, मेरे को भी बहुत खुशी है, मेरे को भी चैनल से दिखा रहे हैं। आप पहले से कितना भाई बहन है? मैं पहले से, मेरा 4 भाई हैं 2 बहन हैं। चलिए इनका पहले से ही परिवार लंबा चौड़ा है और ये खुद अकेला लंबा चौड़ा कर दिए हैं। इस समय में इतना बड़ा परिवार हो गया है आपके पास, आप करते क्या हैं? मैं पुणे में एक छोटे से कंपनी में हेल्पर का काम करता था। तो ये हेल्पर का काम करते हैं, मतलब आगे चल के इनको काफ़ी परेशानी होने वाली है कि नहीं? आप कितना कमा लेते थे? मेरे को 400 रुपया मिलता था वहाँ पर। 400 रुपया मिल रहा था, आज के डेट में 400 रुपया का तो खैर इतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, हो सकता है कि आपको कहीं सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिले। सरकार की तरफ से कोई मेरे को हेल्प नहीं मिला है। अब ये कहाँ से मिल जाएगा, कल बच्चा हुआ मिल जाएगा? ना कोई अभी तक कोई प्रत्याशी भी पूछने के लिए भी है, ना समाचार पूछने के लिए फ़ोन भी कोई प्रत्याशी तक नहीं किए। अच्छा भाई जब ये तेजस्वी यादव जी देख रहे हैं आपके कास्ट के हैं तो उनके लिए क्या बोलिएगा? बहुत धन्यवाद। क्या बोलिएगा उनसे, क्या मांगे आप बताइए? क्या मांगे, मांगे क्या क्या आप एक इतिहास रच दिए 4-4 बच्चे को जन्म दे के, आप बोलिए क्या मांगना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मेरा है कि जो मेरे को थोड़ा सुख से सुविधा दिया जाए मेरे को। हाँ मैंने शंभू जादव से अपना विधायक से भी बताया था कि देखिए मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ। वो बोले कि आप पटना चलिए, मैं पटना में आपको सारी सुविधा मैं दूँगा। मैं सोचा कि मैं पटना जाऊंगा, पटना सरकारी सुविधा इतना व्यवस्था है कि कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। नहीं नहीं आपको तो लोग पूछेंगे ना, तभी तो लोग इतना आ रहे हैं और आने वाले हैं। चलिए ये है भरत यादव जी और ये चाहते हैं कि सरकार इनका हेल्प करे, क्योंकि इनको अभी ये खुद बेरोजगार है, हेल्परी का काम कर रहे थे
और यहाँ पे आए हैं इन बच्चों को देख रेख करने के लिए। आपको बिहार में रोजगार नहीं मिला कि आप चले गए थे दूसरे जगह? बिहार में कहाँ किसी को रोजगार मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। आप सरकार तो उन्हीं का है ना, तेजस्वी यादव जी का। तेजस्वी यादव का सरकार है। वोट उनको देते हैं कि नहीं, रियल बताइएगा? वोट देते हैं, मेरा वोट देंगे मगर रोजगार कहीं और करेंगे। मेरे इलाके में चार विधानसभा है, सब ब्रह्मपुर क्षेत्र में, चारों पर उन्हीं के है। शंभु यादव विधायक में है, मंटू तिवारी शाहपुर विधानसभा में। आप ही कास्ट के हैं, फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए ना? सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनको लोग क्या रणनीति है, कैसे ठीक है। ये है भरत यादव जी, इनका आगे का जो भी अपडेट होगा हम लोग देंगे। और इनका छोटा सा मांग है कि इनका रोजगार का व्यवस्था अगर हो जाए तो चार चार बच्चों का देख रेख कर लेंगे, क्योंकि अकेला इनसे नहीं हो पाएगा। और अब भी जैसे घर पर जाएंगे तो उनको देख रेख करने के लिए किसी को रखिएगा? मेरे मम्मी है, मेरा एक भाई छोटा भाई के परिवार है। चारों भाई एक में एक अलग 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 है? ना ना, मेरे मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा मेरा छोटा भाई, दो भाई का शादी हुआ है अभी। ज्वाइंट फैमिली है? हाँ, ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पापा रेलवे में ग्रुप डी में काम करते हैं, लालू जी का दिया हुआ ग्रुप डी है लालू। तो आप चलिए, इनके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं। लालू जी जब कुली से नौकरी दिए थे तो मेरे पिताजी में उसमें हावड़ा कुली में थे, उसके बाद मेरे पापा को ग्रुप डी में नौकरी हुआ है। अभी भी है नौकरी में? अभी भी नौकरी में है, काम चल रहा है। अब मैंने 20-25 महीना और उनका है, उसके बाद रिटायरमेंट है। चलिए ठीक है, ये भरत यादव जी हैं और इनका अभी तक अपडेट यही है, आगे जो भी होगा हम देंगे। और ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए इनके बारे में, आप लोग आपका जो भी राय होगा कमेंट कीजिए। थैंक यू। आवरी लग जी शीशा में मम्मी ये लोग का जन्म कहिया पड़ रहा है? शनिवार को बोल रहे हैं, सब बता दीजिए अपना। अभी यहाँ दो आदमी रहते हैं, दो आदमी कहाँ है? बच्चा दो आदमी शीशा में। अच्छा, एक दो बच्चे। हेलो, कुछ बोले? चलिए, इनका तबीयत ठीक नहीं है और यही इनकी माँ है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ दो बच्चे हैं और ये मतलब ये चार बच्चे हैं, नहीं चार बच्चे हुआ था तो दो बच्चे भी शीशा में। अच्छा, दो बच्चा शीशा में है। हाँ। अभी यहाँ पे दो बच्चा है, दो बच्चा सामने। और ये देखिए इनकी मम्मी है जो कि अभी बोलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हाँ। चलिए एक बार एक मिनट थोड़ा आप पीछे जाइए। हो गया ना? हो गया। और ये इनके पिताजी हैं।